दोस्तों आपने स्प्राइट तो जरूर पी ही होगी, लेकिन क्या आपको पता है स्प्राइट को अधिक पीने से कौन सी बीमारी आपके शरीर में लग सकती है और कैसे स्प्राइट को फैक्ट्री में बनाया जाता है? और इतना ही नहीं, फैक्ट्री में क्या क्या सावधानी बरती जाती है स्प्राइट को बनाने में? क्या स्प्राइट में भी अल्कोहल मिला होता है? जानेंगे सब कुछ इस धमाकेदार वीडियो में। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लें। तो अब बात करते हैं स्प्राइट को बनाया क्यों गया था। क्योंकि कोका कोला कंपनी पहले से ही कोल्ड ड्रिंक्स बहुत लोगों को प्रोवाइड करवा रही थी, लेकिन इन दिनों मार्केट में एक कोल्ड ड्रिंक फेमस हो रही थी जिसका नाम था थम्स अप। तब कोका कोला कंपनी ने स्प्राइट को 1959 में लॉन्च कर दिया, जो कि एक रंगहीन नींबू और चूने के स्वाद वाला शीतल पेय था। लेकिन अब स्प्राइट आपको बहुत सारे फ्लेवरों में देखने को मिल जाएगी, जैसे कैनबेरी, चेरी, अंगूर, नारंगी, अदरक और वैनिला फ्लेवर, जो आपको पसंद भी आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्प्राइट में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स की। तो सबसे पहले इसमें कार्बोनेटेड वाटर, शुगर, सिट्रिक एसिड, स्वीटनर्स और एसिडिटी रेगुलेटर, सोडियम सिट्रेट, प्राकृतिक नींबू एंड नींबू स्वाद आदि सबको मिलाया जाता है इस एक स्प्राइट की बोतल में। आपको बता दें कि स्प्राइट बनाते वक्त जब नींबू का स्वाद चला जाता है तो उसके लिए आर्टिफिशियल नींबू का स्वाद भी डाला जाता है, जिससे हमेशा इसमें एक जैसा ही स्वाद बना रहता है। दोस्तों अब बारी आ चुकी है कि स्प्राइट को आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले पानी को फिल्टर किया जाता है, जिससे पानी के अंदर उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, बैक्टीरिया, निलंबित कण आदि सबको नष्ट किया जाता है। अन्यथा ऐसा नहीं किया जाएगा तो इसके स्वाद और रंग में चेंजेस आ जाएंगे और स्प्राइट खराब हो जाएगी। इसके लिए इस पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है, जिसको कम से कम 4 घंटों तक पानी में रखा जाता है। अब एक तरफ पहले से चीनी का घोल बना लिया जाता है और फिर बारी आती है इस कार्बोनेटेड पानी में शुगर को ऐड करने की। दोस्तों एसिडिटी रेगुलेटर, सिट्रिक एसिड, नेचुरल लेमन और लेमन फ्लेवर को यहाँ पर मिलाया जाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब तैयार है स्प्राइट बोतलों में भरने के लिए। जी हाँ, फिर इस लिक्विड को बोतलों में भरा जाता है। ये काम भी सब ऑटोमेटिक ही होता है। स्प्राइट को बोतलों में भरने के बाद इन पर लेवल लगाए जाते हैं और फिर इनको भेज दिया जाता है कोल्ड ड्रिंक रूम में, जहाँ से फिर आपके पास की दुकान और दुकान से फिर आपके फ्रिज में या फिर सीधे आपके मुँह में ये स्प्राइट पहुँच जाती है। तो इस तरह से फैक्ट्री में स्प्राइट को बनाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप स्प्राइट का अधिक सेवन करते हो तो आपको क्या क्या समस्या हो सकती है। नंबर 1, कोल्ड ड्रिंक में सुक्रोज तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे फ्रक्टोज बनता है और फ्रक्टोज से ही हमारे शरीर को कैलोरी मिलती है, लेकिन स्प्राइट में अधिक सुक्रोज होने के कारण हमें अधिक कैलोरी मिलेगी, जिससे हमारा मोटापा बढ़ सकता है। एक स्टडी में पाया गया है जो लोग अधिक सुक्रोज वाले ड्रिंक्स पीते हैं उनके अंदर 60% चांसेस होते हैं मोटापा बढ़ने के। नंबर 2, जब हम अधिक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो इसमें उपस्थित शुगर को पचाने के लिए लीवर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण लीवर में इंफ्लेमेशन की शिकायत भी आ सकती है और लीवर प्रॉब्लम भी हो सकती है। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक का अधिक सेवन करने से पेट के पास चर्बी यानी फैट आ सकता है, जिसे बेली फैट बोलते हैं, जिससे आगे चलकर आपको डायबिटीज और हृदय की बीमारी भी हो सकती है। नंबर 4, जब आप कोल्ड ड्रिंक को अधिक मात्रा में पीते हो तो उससे आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है और आपके शरीर में इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ने लगता है, जो कि आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि स्प्राइट को पीने के फायदे के बारे में। तो अगर आपके पेट में गैस के कारण दर्द हो रहा है तो स्प्राइट आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, जिससे पीने के बाद आपके पेट का दर्द चुटकियों में भाग सकता है। इसीलिए तो डॉक्टर भी कभी कभी इन कोल्ड ड्रिंक्स को पीने की सलाह दे देते हैं, और ये बात पूरी तरह से सच है कि 60% केसेस में लाभ देखने को मिलते हैं। साथ ही हम स्प्राइट को गर्मियों के दिनों में पीना
बहुत अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम में स्प्राइट को पीने से हमारी सारी थकान चुटकियों में फुर से गायब हो जाती है और हम बिल्कुल तरोताजा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल चुका होगा कि आखिर स्प्राइट के नुकसान और फायदे क्या हैं। अब ये आपको ही चुनना है कि आपको ये ड्रिंक्स पीनी है या फिर नहीं। और इसके साथ ही अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि क्या स्प्राइट के अंदर अल्कोहल मिलाया जाता है। तो आपको बता दें, स्प्राइट के अंदर किसी भी प्रकार का अल्कोहल यूज नहीं किया जाता। लेकिन आप जान ही चुके हैं कि स्प्राइट को पीने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोग स्प्राइट को शराब के साथ मिलाकर पीना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये करना उनकी मौत का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपका स्प्राइट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। इसके साथ ही चैनल पर नए हो तो आप हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेट कर सकते हैं। दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का, बाय।